morning students and welcome to class 8 and we are going to discuss the chapter number 5 of your political science. So students, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 के अंदर जुडिशियल सिस्टम के बारे में जाना है और अपनी जो लास्ट की क्लास थी बच्चों उसमें हमने डिस्कस किया था द थ्री लेवल ऑफ द जुडिशियरी जिसमें हमने बच्चों बात की थी जब से हाई लेवल पर होता है सुप्रीम कोर्ट और पूरी कंट्री का एक सुप्रीम कोर्ट होता है. इसके बाद में बच्चों हमने बात की सेकेंड लेवल पर आता है हाई कोर्ट और हर स्टेट का अपना एक हाईएस्ट कोर्ट होता है बच्चों जिसे हाई कोर्ट कहते हैं और सबसे लोअर लेवल पर थर्ड लेवल पर आते हैं बच्चों सब ऑर्डिनेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोअर कोर्ट होते हैं जहाँ पर अलग अलग केसेस की सुनवाई होती है. तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हमारी कंट्री के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है बच्चों वो थ्री लेवल पर डिवाइड है. सबसे हाईएस्ट लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट और सबसे लोअर लेवल पर हमने पढ़ा था सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में. इसके बाद में बच्चों हमने बात की थी द ब्रांचेस ऑफ द जुडिशरी जिसमें हमने देखा कि जो कानून है ना या जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें टू टाइप के लॉ होते हैं, दो तरह के कानून की व्यवस्था होती है जिसमें एक होते हैं क्रिमिनल लॉ और दूसरे होते हैं सिविल लॉ. बच्चों हमने देखा कल कि जो क्रिमिनल लॉ होते हैं इसके तहत किसी भी कोर्ट में जब हम लोग केस दायर करते हैं तो सबसे पहले हमको क्रिमिनल लॉ के अंदर सबसे पहले FIR हमको पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करानी पड़ती है, ठीक है. और FIR का फुल फॉर्म भी कल मैंने बताया था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जब कहीं पर भी कोई घटना होती है बच्चों, अपराध होता है ना, हत्या, लूटपाट, मारकाट, तो उसका कोई ना कोई विक्टिम होता है और उसके अगेंस्ट में जब हम कोर्ट में जाने से पहले हम लोग जब पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर हम जो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं बच्चों उसे FIR कहते हैं. और क्रिमिनल कोर्ट की सुनवाई जब कोर्ट में होती है तो इसके बाद में जो सजा मिलती है या जो गिल्टी होता है, जो अपराधी होता है बच्चों, उसको जेल की सजा होती है, ठीक है. सेकंड ब्रांच में हमने पढ़ा बच्चों सिविल लॉज के बारे में. सिविल लॉज के अंदर वे केसेस आते हैं बच्चों जिनका कनेक्शन जमीन जैसे विवाद से होता है या जमीन को लेकर कोई झगड़ा है उससे या फिर आपस में फैमिली का कोई झगड़ा है, इस तरह के जो छोटे बड़े झगड़े होते हैं जमीन को लेकर, पैसे को लेकर जो झगड़े होते हैं उनकी सुनवाई जो है बच्चों वो सिविल लॉ के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है. और इस तरह से सिविल लॉ के अकॉर्डिंग जो ये सिविल कोर्ट केसेस होते हैं इनके लिए हमको डायरेक्टली कोर्ट के अंदर अपना केस जो होता है वो सबमिट कराना होता है और बाद में उसकी हियरिंग होती है. तो सिविल कोर्ट या सिविल जो लॉ है बच्चों और जो क्रिमिनल लॉ है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है. आज बच्चों हम लोग एक बहुत ही हटकर जुडिशरी के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें हम लोग एक नई चीज जानेंगे जिसको हम लोग पिल कहते हैं, ठीक है. और जैसा कि बच्चों आप सबको हम लोगों ने आगे पढ़ा है कि जो जुडिशरी है इसका सबसे बड़ा काम होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना, हमारे जो अधिकार हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको सेफगार्ड करने का काम होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का. लेकिन कई बार बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारी कंट्री की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और ऐसे में लगभग जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो पुअर सेक्टर सेक्शन से बिलोंग करती है. कई बार हम देखते हैं बच्चों की जिन आप लोग देखते हैं कि कोर्ट के अंदर जब हम लोग केस अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर खूब सारा टाइम लगता है. दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मनी, खूब सारा पैसा आपका खर्च होता है और साथ में ही हम लोगों के पास इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है कि हम जिस मुद्दे के लिए, जिस चीज़ के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पर हम लोगों को किन किन लोगों से डील करनी पड़ेगी, है ना, और कितना पैसा खर्च होगा, कितना टाइम हम लोगों का वेस्ट होता है. लेकिन जिन लोगों के पास बच्चों पैसा होता है, टाइम होता है, वो लोग तो कोर्ट के बेनिफिट को उठा लेते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स को लोग सिक्योर कर पाते हैं. लेकिन आज भी बच्चों हमारे देश के अंदर आधी पॉपुलेशन ऐसी है जो गरीब है, जिनके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो कोर्ट के अंदर अपने फंडामेंटल राइट्स के, अगर उनका फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या अपने ऊपर हो रहे किसी अत्याचार के अगेंस्ट में वो लोग कोर्ट जा सके, ठीक है ना. और आपको ये भी पता है कि आप मोस्टली ये देखते हैं कि कई सारे पॉपुलेशन में कई सारे लोग ऐसे हैं बच्चों जिनके पास, जो लोग सुबह मतलब जो वेजेस बेस पर काम करते हैं, जो रोज लाते हैं, रोज कमाते हैं और रोज अपना खर्चा चलाते हैं,
ऐसी कंडीशन के अंदर इस तरह के लोगों तक कोर्ट को कैसे पहुंचाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों, हर कोई इंसान अपने फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने का काम करता है, और जब इन गरीब लोगों के फंडामेंटल राइट्स जब वॉयलेट होते हैं तो ना तो इनके पास पैसा होता है, ना इनके पास टाइम होता है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है एजुकेटेड भी नहीं होते, जिसके कारण से ये प्रॉपर तरीके से कोर्ट के प्रोसीड्योर को फॉलो नहीं कर पाते, इन्हें प्रोसेस नहीं पता होता है कहाँ जाना है, कैसे केस लड़ना है। तो इस तरह से इन लोगों की मदद करने के लिए हमारी कंपनी के अंदर एक नए आइडिया को अपनाया गया, और इस नए आइडिया को बच्चों नाम दिया गया था PIL, PIL। तो बच्चों कहीं ना कहीं आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारे इस तरह के लोगों से जुड़ा हुआ है, जो चाह कर भी कोर्ट तक नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो ऐसे लोगों की पुकार, ऐसे लोगों की प्रॉब्लम को कोर्ट तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हमारे इंडिया के अंदर एक नए सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया, जिसको PIL कहते हैं। तो बच्चों आज हम अपनी क्लास के अंदर बेसिकली PIL के बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल में जानेंगे, फुल PIL की फुल फॉर्म भी जानेंगे, क्या होता है, क्यों ये PIL स्टार्ट किया गया, वो सारी चीजें भी बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, आपका जो आज का सब टॉपिक है वो है डस एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट। एक्सेस टू का मतलब पहुंचना, क्या हर इंसान अपनी प्रॉब्लम को लेकर कोर्ट तक पहुंच सकता है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि कोर्ट तक जाने के लिए जेब में पैसा और टाइम और नॉलेज और एजुकेशन होना भी बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं, मैंने बताया भी अभी आपको कि कई सारी पॉपुलेशन में आज भी हमारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो पैसा है लेकिन फिर भी उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, चाहते हैं कि कोर्ट तक जाएं लेकिन फिर भी उनके पास रिसोर्स नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों की हेल्प कैसे की जाए वो हम लोग बच्चों इसमें पढ़ेंगे। तो देखें, इन द प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। अब देखिए, सबसे पहली बात, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांतिक तौर पर तो ये कहा जाता है कि हमारे देश में हर इंसान पे, अगर मान लीजिए किसी भी भारतीय का अगर फंडामेंटल राइट्स उससे छीने जा रहे हैं, हमारे अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, तो हम लोग कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन ये कहने तक की बातें हैं, ऐसा हम लोगों को राइट तो दिया गया है, लेकिन इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल वे में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि आज भी कई सारे लोग कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। द सिटीजंस हैव द राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट, और हमारे कंट्री के सिटीजंस को कोर्ट के थ्रू अपने राइट या जस्टिस मानने का पूरा अधिकार है। हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा है बच्चों, तो हम न्याय की मांग करते हैं, उसके लिए कोर्ट जाते हैं। तो इस तरह की सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको प्रोवाइड करवाया गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आपसे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। ऐसा अधिकार बच्चों हम लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। But access to court has difficult for the vast majority of the poor in India. लेकिन कोर्ट तक पहुंचना आज भी इंडिया की वास्ट मेजोरिटी, मतलब मोस्टली वो पॉपुलेशन जो गरीब है, इन लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ना तो इनके पास पैसा है, ना रिसोर्स है, इसीलिए ये लोग चाह कर भी कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। एंड द लीगल प्रोसीड्यूर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड द पेपर वर्क एंड टाइम। और आपको भी पता होगा बच्चों कि ये जो लीगल प्रोसीड्योर होता है, लीगल प्रोसीड्योर का मतलब ये जो पूरी कानूनी जो सिस्टम होता है ना, इसके अंदर खूब सारा पैसा खर्च होता है, खूब सारा टाइम खर्च होता है, और पेपर वर्क भी इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इसी के साथ देखें, फॉर द पुअर पीपल हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन द डेली वेजेस कैन नॉट एक्सेस टू कोर्ट। और अभी जैसा मैंने बताया बच्चों कि देश के अंदर कई सारे गरीब लोग हैं, है ना, जो वेजेस बेस पर काम करते हैं, वेजेस का मतलब रोज मजदूरी मिलती है उनको और उसी से उनका गुजारा चलता है, और इसी के साथ में वो एजुकेटेड भी नहीं होते, तो इसका मतलब पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते। तो इसका मतलब ये कि जितना भी पेपर वर्क होता है उसकी इंफॉर्मेशन भी, उसकी भी जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है। इसी कारण से ये जो मेजोरिटी पीपल है, ये जो इतने सारे लोग हैं, ये कोर्ट तक नहीं जा पाते, अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाते, ठीक है ना। अब
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारी कंट्री में बच्चों सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली के अंदर है 1980 के अंदर एक नया डिसीजन लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक नए डिसीजन में ये कहा कि अगर कोई गरीब या कोई इंडिविजुअल जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं और वो चाहकर भी कोर्ट तक अपनी पहुंच नहीं ला पा रहा या नहीं किसी कारण से कोर्ट आ रहा है तो उसके बिहाफ पर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई दूसरा पर्सन जो है वो भी उसके फेवर में कोर्ट में केस दायर कर सकता है। तो कहने का मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही एक एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों की, मान लीजिए किसी कारण से मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, है ना, और मैं कोर्ट नहीं जा पा रही हूँ, तो मान लीजिए कि मेरी जगह पर मेरे से जुड़े हुए कोई भी लोग या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मेरी इस प्रॉब्लम को कोर्ट तक ले जा सकता है और वही ऑर्गेनाइजेशन या वो दूसरा आदमी या जो नेक्स्ट पर्सन है वो मेरे फेवर में उस केस को लड़ेगा। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो कब शुरू किया गया बच्चों, 1980s के अंदर इसने शुरू किया सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइस और मैकेनिज्म ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 1980s के अंदर कोर्ट के सिस्टम में एक नया मैकेनिज्म जोड़ा, एक नया सिस्टम जोड़ा बच्चों जिसे कहा गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है बच्चों वही क्या कहलाता है PIL। अब देखिए इसका मतलब समझे, पब्लिक पब्लिक मतलब जनता, इंटरेस्ट का मतलब फायदा और लिटिगेशन का मतलब हो गया आवेदन करना, तो जनता के बेनिफिट के लिए उसके फेवर में किसी तरह का लिटिगेशन देना यही बिल कहलाता है। इसकी शुरुआत 1980 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से मानी जाती है। इसी के अलावा देखें आप इस तरह के जो बिल है इसकी स्टार्टिंग क्यों हुई, टू इंक्रीज द एक्सेस टू द जस्टिस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अपनी पहुंच कोर्ट तक बना सके। अभी बच्चों मैंने बताया कि देश के अंदर जो गरीब लोग हैं वो खुद तो कोर्ट नहीं जा पाते, चाहते हैं तो भी नहीं जा पाते क्योंकि पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल नाम का एक नया सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया जुडिशरी के अंदर, जिसमें ये कहा गया कि उस जिस इंसान के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं या जिस इंसान के साथ अत्याचार हो रहा है अगर वो कोर्ट नहीं आ सकता तो उसकी जगह पर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या कोई दूसरा इंडिविजुअल जो है वो उस पर्सन के लिए उसके बिहाफ पर केस को लड़ सकता है ताकि उसे न्याय मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से ये बिल की शुरुआत होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, इट अलाउस एनी इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ बिल इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोस हूज राइट वर बीइंग वायलेटेड। अब बच्चों इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिल फाइल कर सकता है और ये बिल बच्चों हाई कोर्ट में भी फाइल हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हो सकती है। और किसके फेवर में ये बिल जारी होगी बच्चों, जिसके वायलेट हो रहे हैं राइट्स, जिसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जिसके अधिकार जिस आदमी के अधिकार छीने जा रहे हैं उसके फेवर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना केस लगा सकता है। और लेटर और द टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज बिल। अब मान लीजिए कि पर्टिकुलर हम फेस टू फेस कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग अगर मान लीजिए हम अपने आसपास किसी इंसान को देख रहे हैं जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जो इंसान प्रॉब्लम में है लेकिन फिर भी वो कोर्ट नहीं जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एक टेलीग्राम, एक पोस्ट कार्ड पर, एक लेटर पर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एड्रेस पर होगा उस पर उस पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉब्लम को लिखकर और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पोस्ट कर सकते हैं। और इस तरह के लेटर और टेलीग्राम को भी सुप्रीम कोर्ट क्या मानेगा, बिल मानेगा। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानेगा और बाद में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से चलाकर उस केस में कार्रवाई करता है। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए बच्चों, आप लोग देखते हैं कि आजकल हर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर या गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर मिड डे मील दिया जाता है। एक्चुअल में ये मिड डे मील की शुरुआत कैसे हुई, तो बच्चों मिड डे मील जो सिस्टम है ये भी इसी बिल का ही रिजल्ट था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि मिड डे मील एक्चुअल में बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें हमारा एक राइट है आर्टिकल नंबर 21 जो हमको जिंदगी जीने की आज़ादी देता है। और जिंदगी जीने में खाना भी तो शामिल है, जब हमें अच्छा खाना मिलेगा, ताजी हवा मिलेगी, तभी तो हम अपनी लाइफ को सही तरीके से जी पाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाद में हाई कोर्ट ने मिड डे मील की शुरुआत की। तो ये जो मिड डे मील का सिस्टम है बच्चों, ये भी पिल का ही रिजल्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेश किया गया कोर्ट में, कोर्ट ने सुनवाई की और उसके बाद में इसको कंपल्सरी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रेगुलेट किया गया। तो मिड डे मील इन द गवर्नमेंट स्कूल्स आर आल्सो अ रिजल्ट ऑफ पिल। द कोर्ट हैज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटिंग अवर फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए बच्चों, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे कोर्ट जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में गवर्नमेंट को बाउंडेड रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को भी सिक्योर करते हैं ताकि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं जा सके। और साथ ही कंट्री के अंदर लॉ और ऑर्डर बनाए रखने का काम जो है और पूरी सिस्टम को सही तरीके से चलाने का काम जो है वो जुडिशरी करती है। हम लोगों को न्याय दिलाने का काम, हमको जस्टिस दिलाने का काम जुडिशरी करती है। और सरकार ने इतनी पहल की है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, यहाँ तक कि जो लोग कोर्ट तक नहीं जा पा रहे उन लोगों के लिए एक नया सिस्टम कोर्ट ने शुरू किया जिसको पिल कहा जाता है। पिल के अंदर बिना किसी आर्थिक परेशानी के, बिना किसी पैसे के, दूसरा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंसान की मदद कर सकता है ताकि उसको न्याय मिल सके। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 5 जो आज की इस क्लास के साथ होता है खत्म। कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू एंड गुड बाय।